दोस्तों, अगर आपको हर समय थकान रहती है, आपका वजन तेजी से बढ़ने लगा है, बालों के झड़ने, दो मुहे बालों की समस्या है, या आपके आँखों की रोशनी कम होने लगी है, या दांतों से संबंधित कोई समस्या है, तो हो सकता है कि आपको विटामिन सी की कमी हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको विटामिन सी के बारे में बताऊंगी कि ये क्या होता है, यह हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी होता है, इसकी कमी के लक्षण क्या होते हैं, और अगर आपके शरीर में इसकी कमी हो जाए तो इसको कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है। ये एक ऐसा विटामिन है जो पानी में घुलनशील होता है, क्योंकि हमारा शरीर ना तो खुद विटामिन सी बना पाता है और ना ही इसे स्टोर कर पाता है। इसलिए इसकी कमी को पूरा करने के लिए डाइट में हर दिन विटामिन सी लेने की ज़रूरत होती है। विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है, जिसे आप कम बीमार पड़ते हैं। शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है। यह शरीर में कोलेजन को बनाता है, हड्डियों को मजबूती देता है। अब आइए जान लेते हैं कि वो कौन कौन से खास लक्षण नज़र आते हैं जब आपको विटामिन सी की कमी होती है। अगर आपका वजन अचानक से बढ़ने लगता है तो यह विटामिन सी की कमी से हो सकता है। अगर आपकी त्वचा रूखी हो जाती है और चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगती हैं तो यह भी विटामिन सी की कमी से होता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या दो मुहे बाल हैं तो यह विटामिन सी की कमी से हो सकता है। अगर आपको कहीं चोट लगी है और उस चोट को सही होने में ज़्यादा समय लगता है तो ऐसा विटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है। विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो आँखों को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। अगर आपको विटामिन सी की कमी है तो आँखों में मोतियाबिंद की समस्या हो सकती है। विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी रोग होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। इससे मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों में सूजन होना, दांत गिरने लगना, थकान, कमजोरी, लाल चकत्ते होना आदि समस्याएं हो सकती हैं। इसके होने पर कुछ शुरुआती लक्षण नज़र आते हैं, जैसे भूख न लगना, इरिटेशन, जोड़ों में दर्द आदि। जो लोग ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, डायबिटीज़ के मरीज हैं या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या जिन्हें होती है, उनके अंदर विटामिन सी की कमी ज़्यादा होती है। जो लोग बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, उनमें भी विटामिन सी की कमी होती है। अगर आपको विटामिन सी की कमी है तो आपको हमेशा बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा हों। आपको ताज़े फल खाने चाहिए, खट्टे फलों को ज़्यादा लेना चाहिए। विटामिन सी आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी में ज़्यादा पाया जाता है। मार्केट में विटामिन सी के कैप्सूल भी मौजूद हैं, आप उन्हें भी ले सकते हैं, लेकिन कैप्सूल लेने से इसका 10% ही आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो पाता है, क्योंकि कैप्सूल को पहले मुंह के द्वारा अपने पेट में पहुंचाना होता है और वहां से वो सिर्फ 10% एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड तक पहुंच पाता है। लेकिन आज मैं आपको जिस सप्लीमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ, उसे हमें मुँह के द्वारा पेट में नहीं ले जाना होता है, बल्कि उसे हम जीभ के नीचे नसों पर स्प्रे करते हैं और वहाँ से वो डायरेक्ट हमारे नसों द्वारा हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। इस प्रकार वो 90% हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। उस सप्लीमेंट्स का नाम है वेस्टीज प्राइम एब्जॉर्बिट विटामिन सी सबलिंगुअल स्प्रे। इसको लेना बहुत ही आसान होता है। इसे थोड़ी थोड़ी देर में 3 बार स्प्रे लेना होता है। इसका 3 स्प्रे मिलकर 1 डोज कहलाता है। इसको लेने से 5 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। एक एडल्ट को 80 mg पर डे चाहिए होता है। इसके 3 स्प्रे यानी 1 डोज में आपको 80 mg विटामिन सी मिल जाता है। ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको फ्री रेडिकल से सेल डैमेज होने से बचाएगा। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करेगा और सर्दी खांसी जैसे इन्फेक्शन होने से बचाएगा। ये आपकी स्किन, ब्लड वेसल्स, बोन्स और कार्टिलेज को हेल्दी रखने में मदद करेगा। इसकी MRP 560 है,
डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 480 है तथा पॉइंट वैल्यू 16 है। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी विटामिन सी के बारे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।